माय गॉड इतना लाल, देखो देखो लाल बीच में। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड वही बैकग्राउंड, वही डोर, यहीं से ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज बहुत काम है, बहुत सारी काम है, मतलब सब कंप्लीट होगी कि मुझे नहीं मालूम। कंप्लीट करने के लिए ही मैं निकल रही हूँ। आज व्लॉग में सुबह आएगा वो, शायद वो। आज बहुत बड़ी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एंड वो हमारे हम दोनों की लाइफ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लान हो रही थी, मतलब काम चल रहा था, अभी भी काम चल रही है वहाँ पर, बट फिर भी आप लोगों के साथ आज हम लोग शेयर करेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, ये जो जर्नी है ये हम आप लोगों को दिखाएंगे, हमारा एंड पूरा स्टार्ट से हम लोग दिखाएंगे। एंड यस, देखते हैं तो क्या होता है। एंड आज एक कुछ देर पहले मेरे साथ एक मसला हुआ है, वो है कि मैंने उबेर बुक की थी, बट वो उबेर मुझे कैंसिल हो गई है। क्योंकि मुझे नहीं पता, यहाँ पर बहुत सारा उबेर मैं देख रही हूँ बट कोई भी मेरा बुकिंग नहीं ले रही है। पता नहीं क्यों, मैंने टाइम से कैसे पहुँचूँगी। सुबह तो शायद आधी रास्ता तो पहुँच चुका होगा, पूरा नहीं है जाया होगा बट आधी रास्ता पहुँच चुका है। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, ये एक बैग जींस है एंड ये एक क्या है टी शर्ट है, एंड जिसमें लिखा हुआ है व्हेन नथिंग गोस राइट। एंड यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर है ये जो लेफ्ट आउट। तो एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत गर्मी है, बहुत बाहर बहुत गर्मी है, तो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट हमारी स्किन के लिए। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़का लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने घर वालों को, अपने भैया को, पापा को, चाचा को, अंकल को, नाना को, जो भी है उनको सनस्क्रीन लगाओ, लगाने के लिए कहो, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया बहुत, मतलब एनवायरनमेंट बहुत, दुनिया नहीं एनवायरनमेंट बहुत क्या है, गर्मी हो रही है एंड बहुत सारा पोल्यूशन है, तो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट हमारी स्किन के लिए, सब कुछ के लिए। सो बस एक बात कहनी थी। एंड यस वाटर तो 4 लीटर वाटर मस्ट, कोकोनट वाटर जहाँ पर भी, कोकोनट वाटर जहाँ पर। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप सनस्क्रीन लगाओ और निकल जाओ, ये मतलब सही तरीका नहीं होता। सनस्क्रीन लगाने से पहले कोई एक मॉइस्चराइजर लगा लो, फिर एक सनस्क्रीन लगा लो। सनस्क्रीन SPF 50 होनी चाहिए एंड उसके बाद लगाने के एटलीस्ट 15 मिनट या फिर 20 मिनट रहो तो बहुत अच्छा, 30 मिनट तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 30 मिनट होने के बाद या फिर 20 मिनट या फिर 15 मिनट, मतलब 15 मिनट तो मस्ट तो होने के बाद ही आप लोग निकलो, क्योंकि अगर 15 मिनट से पहले आप सनस्क्रीन लगा के आप लोग निकल जाओगे तो इससे क्या होगा, सनस्क्रीन हमारी फेस में सेट नहीं होगी तो धूप में वो मतलब उछर जाएगा, मतलब वो गल के वो जो गंदा तरीके से फेस में गंदा हो जाएगा। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाओ, 15 मिनट 20 मिनट वेट करो घर में, तो फिर उसके बाद अच्छी तरीके से अच्छा सा सनग्लास लो एंड स्कार्फ करके। मेरे साथ कौन है आप लोग देखना चाहते हो? हाय तो बोलो। तो आप लोग गेस कर सकते हो ये है क्या? बताओ। अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आने से पहले मैं आप लोगों को कह रही थी कि ना कि कोई काम है, पूरा ख़त्म तो नहीं हो गया, थोड़ा बहुत ख़त्म करके आज चली जाएंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो काम चल रहा है अभी काम चल रहा है। हाँ, पूरा खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे क्या हुआ। तब तक आप लोग थोड़ा बहुत देख, पोर्शन रेडी हुआ है हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिए एंड देखते हैं कि आज कितना पोर्शन तक हम लोग रेडी कर सकते हैं। एंड शायद आज तो देखते आप होगा। हाँ, हमारा और भी ग्लो साइन वगैरह बहुत कुछ बाकी है। तो आप लोग क्या गेस कर चुके होंगे कि ये है क्या? तो अगर गेस नहीं कर, अब गेस कर लो, वीडियो के एंड में हम दोनों बताएंगे एक्चुअली ये हो क्या है। ये हमारा बहुत दिनों का ड्रीम है। उन लोगों ने देखा है कि हम लोग बहुत दिनों से दमदम में आ रहे हैं, दा रहे हैं, आप देखे होंगे, और ये दमदम में ही है।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत जोर से हम दोनों को भूख लगी है। फ्रूट वगैरह लाए हैं, ये है कुकुम्बर, ये है मौसमी, मेरी मम्मी ने दिया है, सुखी मम्मी ने शायद ग्रेप्स दिया होगा, फ्रूट है। बट खाना हम बाहर से खाएंगे अभी, तो खाना खाने के बाद आकर बाकी काम निपटा कर हम दोनों आप लोगों के साथ मिलते हैं। ओके, आज पूरा नहीं कर पाए क्योंकि अभी टाइम हो गया 4:50 हो गया, तो अभी हमको हम लोग को निकलना है, कुछ काम है बाहर जाके, क्लिनिकल काम है, तो वहाँ जाके वो पहले शेड्यूल करेंगे, तो उसके बाद फिर तो हमारा मेट्रो आ गया है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं न्यू गोरिया स्टेशन, क्योंकि न्यू गोरिया में हमारा काम है। अभी हम लोग हैं जादवपुर में कुछ काम के लिए आए हैं, बट यहाँ पर आने के बाद पता चली कि वो काम आज नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पर आज अगर चलो देखते हैं होगा या नहीं होगा, वो मैटर नहीं करता जब हम दोनों एक साथ। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वॉइस क्यों चली गई है, मैंने हमारा दोनों का ही वॉइस यहाँ से चला गया है। एंड यहाँ पर मैं कह रही थी कि एक्चुअली ये कोबी शुभ या फिर न्यू गोरिया जो भी कहो, यहाँ पर हम लोग पहली बार आए हैं कुछ काम के लिए क्लिनिक। हाँ सब चलो देख रहे हैं कि आज काम होगा कि नहीं होगा, नहीं पता, बट बहुत जोर से भूख लगेगी, खाना पड़ेगा। हम लोग खाने के लिए आ चुके हैं, ये है लच्छा पराठा, ये चिली चिकन एंड ये है सूप। हम दोनों को नहीं पता क्योंकि इतनी गर्मी में हम दोनों ने क्यों ये ऑर्डर किया है। यहाँ पर सूप टेस्ट कर रहा है, पर सूप धीरे धीरे फूड ब्लॉगर की तरह टेस्ट कर रहा है, वो अपना ओपिनियन देगा शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, कोबी सुबह से मेट्रो पकड़ेंगे हम लोग। एंड शायद हमारा मेट्रो भी आ चुका है शायद, यस आ गया हमारा मेट्रो, कोबी सुभाष लिखा हुआ है। अभी हम लोग प्लैनेट में है, इस प्लैनेट से मैं बस पकड़ूंगी, सुबह बस पकड़ेगा हावड़ा स्टेशन के लिए, मैं जाऊंगा अपने घर। ओह माय गॉड इतना लाल, देखो देखो लाल लाल बीच में। हां हां मैं जा रही हूं मेरी घर और ये और मैं अपना घर, तो मैं जो बस पकड़ूंगी वो ये नहीं जा सकते क्योंकि सूख जाएंगे, सूख जाएगा ट्रेन में। मैं जाऊंगा हावड़ा स्टेशन और मैं यहाँ से बस पकड़ूंगी, मैं जाऊँगी मेरी घर, तो वीडियो को हम लोग यहाँ एंड करते हैं। बोलो बाय बाय, जस्ट स्टे टू। हाँ तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे अनदर ब्लॉग में। हाँ तो फिर मिलेंगे अनदर ब्लॉग में, चलो बाय।